TFS, extremely fearless journalism. रीन हार्श विंटर का जो पीरियड है उसमें कश्मीरी सब ऐसी बयान मिजाजस दिखे ऐसी ताफ़ुन पहले आज मुशायरा था अब शामिल गजल रूफ और मुमताज लीडर साबिक वजीर फारूक अब्दुल्ला साहब को आना था लेकिन अचानक वो फॉर्मर एमएलसी और जोरदार ताली और मैं मेहमान खुसूसी और मेहमान रंजूर तिलगामी साहब मस्जिद सब की खिदमत में मेरा है तो अभी बात कर रहा था मैं लड़ता है सब इन चीजों से जफा कशी करता है वगैरह वो है तो जश्न चिल्ला कलाम का मकसद है कि अगर है जश्न चिल्ला कलाम और मुझे मेरा नाम गुलजार अहमद भट्ट है मैं कोऑर्डिनेटर हूँ नारजून कल्चर सेंटर पटियाला का और हमारे डायरेक्टर है प्रोफेसर सुभागी वर्धन जी और हम जो ऑर्गेनाइज हम प्रोग्राम करें इसका नाम है जश्न चले कलान और आज इसका तीसरा दिन है जश्न चले कलान का और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जश्न चले कलान को लोगों ने बहुत पसंद किया इसको और ख़ासकर जो मीडिया के हमारे दोस्त है सभी लोग यहाँ पे आए उन्होंने पूरा दुनिया को दिखाया कि जम्मू कश्मीर का जो विरासत है जम्मू कश्मीर की जो कला है और संस्कृति है उसको दुनिया तक पहुँचाया और आज का जो प्रोग्राम है पहले हमने यहाँ पर रखा था आज मुशायरा कश्मीरी मुशायरा और अब म्यूज़िकल शामी गज़ल जो प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के कश्मीर के खासकर ऐसे महान कलाकार है जिनको मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता हूँ उसको उनको दुनिया जानता है सबको पता है अहमद वहीद जिलानी साहब है मुनीर अहमद मीर साहब है शाहजहाँ बशीर है राजा बिलाल है हमारे और एक बहुत बड़ी बात हमारे साथ खलील मोहम्मद भट्ट साहब है जो कवाली गाएंगे और ये हमारी जम्मू कश्मीर की पहचान है हम बार बार ही कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो कलाकार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है जम्मू कश्मीर की जो हेरिटेज है और मैं बहुत बहुत मशगूल हूँ भारत सरकार की कोशिश यही है जम्मू कश्मीर की कल्चर को प्रमोट करना। गुलजार साहब ये बताइए अगर देखा जाए यहाँ पर अभी इन्विटेशन जो है फारूक अब्दुल्ला को दी गई थी क्या फारूक अब्दुल्ला को आना है अभी? एक्चुअली क्या हुआ था कि फारूक साहब से मेरी बात हुई थी लेकिन फारूक साहब को कोई उधर फैमिली में किसी का पॉजिटिव शायद आया हुआ है तो उस कारण से फारूक साहब शायद नहीं आ पाए लेकिन ये हमारे लिए एक वैसी मैसेज थी कि हमने सारी तैयारी की हुई थी पूरे हम तैयार थे फारूक साहब को इस्तकबाल करने के लिए क्योंकि फारूक साहब हमारे जम्मू कश्मीर के यहाँ के श्रीनगर से MP भी है तो हम चाहते थे कि वो उस प्रोग्राम में आए और क्योंकि वो एक कला और संस्कृति को प्यार करने वाले ऐसे व्यक्ति है जिसको जम्मू कश्मीर में कोई आदमी भूल नहीं सकता है। अभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर DCOM साहब को हमने भी बुलाया हुआ है शायद अभी चंद लम्बू में वो भी हमारे पास पहुँचेंगे तो उसके बाद उसे क्या नाम है इसका नासिर असलम वानी साहब को यहाँ पर भेजा है तो मुझे लगता है कि ये हमारी कला और संस्कृति के लिए एक अच्छे पल है और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ये जश्न चले कलान का मकसद मेरा यही था नारजून कल्चर सेंटर का यही मकसद था कि जो जब जश्न चले कलान होता सब लोग बोलते चले कलान में कुछ नहीं हो सकता जम्मू कश्मीर में लेकिन मुझे लगता है इस पर हमें ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए क्योंकि जो हम घर बैठ के पुराने ज़माने में लड़ीशा दलील मंजिल बत नंद बत ऐसी चीज़ें हमारे जम्मू कश्मीर में होते थे हमें उसी कल्चर को रिवाइव करना चाहिए और उसी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में होने चाहिए। थैंक यू। INS, extremely fearless journalism.